तो चलो चलते हैं गुलमर्ग में। नजारा जिथे तक कोने तक नजर जा रही है सब बर्फ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेहनत की है आपने सफल करानी है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके और कमेंट बढ़िया सा छोड़ देना ताकि जी खुश हो जाए। अज असी जा रहे हाँ गुलमर्ग विच ते सवेर दे हले पौने नौ होए ने यानी कि अराउंड 8:45 ते एम हॉल है इस टाइम सामने दा ऐ तुसी देख सकते हो। ठीक है इस टाइम कोई बारिश नहीं हो रही कुछ नहीं हो रही बट बदल जे बने हुए ने ते अगे जेड़ा गुलमर्ग दा वेदर शो कर रहा है वो स्नोफॉल दा ही कर रहा है। सब तो ज़्यादा ठंडा रीजन है कश्मीर दे विच गुलमर्ग ते हुण जेड़ा गुलमर्ग च नज़ारा आने वाला है सारा ही वाइट नज़र आएगा। तो जो जो हमारे चैनल पे नए हैं पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को उसके बाद वीडियो देखना शुरू करें। तो चलो चलते हैं गुलमर्ग में और दिखाते हैं आपको भारत का स्विट्ज़रलैंड। भारत का स्विट्ज़रलैंड नहीं ये भारत का अपना ताज है। पहले वैसे बोलते हैं सारे भारत का स्विट्ज़रलैंड बट ये भारत का अपना ताज है। तो चलो चलते हैं गुलमर्ग में। रोड तो जा रहे हैं पैदल क्योंकि सोलो ट्रिप जिहड़ा हुंदा ना उहदे विच तुहानू कोई ना कोई साधन लभना पैंदा क्योंकि होटल दे विच तुहाडे कोई गड्डी नहीं है कुछ नहीं है तो तुहानू पैदल ही जाके कितें चौंक दे विच जाके थ्री व्हीलर या कुछ टैक्सी लभनी पैंदी जो तुहानू अगे गांह लैके जांदी है। इह देखो हुण असीं इह लाल चौंक जिहड़ा इह लाल चौंक तो नाम तो मशहूर है असीं आ गए हाँ लाल चौंक ते हुण असीं पैदल जा रहे हाँ। उत्थों सामने बाईपास तो सानू फड़नी पएगी बस या टैक्सी कोई भी होएगी। ए हुण सानू जिहड़ी बस है बटमानू चौंक बोलते हैं अच्छा बटमानू वहाँ छोड़ेगी वहाँ से उसके बाद हम फिर आगे टंगमर्ग के लिए टैक्सी या बस जो भी मिल जाएगी वहाँ से फिर आगे हम गुलमर्ग निकलेंगे। जी हुण असीं चढ़ गए हैं टैक्सी पे जो सानू लेके जाएगी टंगमर्ग। लोकल अगर घूम रहे हो तो आपको ऐसे ही ट्रैवल करना पड़ेगा और लो जी सामने देखो आ गया है गेटवे टू गुलमर्ग ते यही रास्ता अगे जरन जरा जाता है गुलमर्ग में जाता है ते अज भाजी मिले ने सानू ते अमृतसर तो ने ते इन्हां नाल वधिया मिल गया जिहने टैक्सी च जाते थे ये जा रहे ने मागम थोड़े नाम जी समझ नहीं थोड़े ओके ने स्टार्टिंग मागा मीना दे कपड़े दी दुकान इत्थे हां ते वधिया काम कर रहे ने इत्थे 8-9 साल तो तुसी किया है ना असी 90 तो इत्थे जी अच्छा 90 तो बिल्कुल यानी कि बहुत 30 साल हो गए 30 साल हो गए साडे फादर साहब आए जी अच्छा अच्छा सले फादर साहब आए बिल्कुल बहुत वधिया मिल के बहुत वधिया लग्या। यही जिहड़ा स्टेशन है बनिहाल तो बनिहाल जिहड़ा अगे बारामूला तक जांदा है वो स्टेशन वो सामने स्टेशन है ग्रीन वाला सामने स्टेशन नज़र आ रहा है यह पटरी हैगी जी जा रही सारी पटरी हम देखो बर्फबारी पूरी इतने नज़र आ रही है। आज तो थोड़ा मौसम खुल गया है बट जैसे उन्होंने कहा कि कश्मीर का मौसम हर हालत में टाइम नहीं लगता। गुलमर्ग बस पहुँच ही गए हैं ते देखो अगे तो माहौल
मैं क्या पहला ब्रेकफास्ट कर लिए क्योंकि सवेर दे चले हैं घरों तो ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया। गड्डियाँ सिर्फ वही जा रही हैं या तो फोर व्हील ड्राइव हो गड्डी से चैन लगी हो। ब्रेकफास्ट आलू के परौंठे नाल चाह नाल अचार संतुष्टि हो जाती है। अगे हले रास्ता बंद किया गया है क्योंकि अगे जेडी एलजी साहब कहते उपर गए ने क्योंकि इतने फेस्टिवल चलता पाया खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू की हैं तो कोई गवर्नमेंट का बंदा उपर गया ता करके इतने हले थोड़ा सारा रास्ता जोड़ा है वो आम गड्डिया वास्ते बंद किया गया है। एक बज गए ने हले तक रास्ता बंद है क्योंकि उपर जो खेल मंत्री है या एल जी गवर्नमेंट का बंदा उपर गया है। ये देखो सब लोग वेट कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए बट आप 11 बजे से रुके हो ना सब? हाँ जी। सब 11 बजे से रुके हुए हैं। पुणे से आए हो सब है ना? महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। तो वेट कर रहे हैं सब और ये देखो माहौल ऊपर का चेंज होता जा रहा है और वेट करते करते थक जाएंगे लग रहा है सब यहीं पर ही। 2.5 घंटा है ना, मेरे को भी 2.5 घंटा हो गया। चलो होप फॉर द बेस्ट, जो होगा अच्छा ही होगा। यही इंसान लास्ट में यही बोल सकता है, जो होगा अच्छा ही होगा। फाइनली अब 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद फिर हूँ जा रहे हैं असी। गड्डी पूरी स्लिप कर दी पी है भाई जी, गाड़ी स्लिप कर दी है। अच्छा, अज तो बस सारा दिन हो गया सानू फसे हुए नू, हूँ जाके 3:30-4 बजे रास्ता खुलिया और बर्फ जबरदस्त सीन देखो सामने। माहौल बड़ा जबरदस्त और यही सब वेट कर रहा है मैं तो 5-6 घंटे तो इंतजार चल रही थी। हम जाके सब तो पहला गाड़ी जो हमारी है जो खुला रास्ता सबसे पहली गाड़ी हमारी ऊपर जा रही है और हाथ जमान मतलब कुल्फी हाथ नहीं रखे जा रहे बाहर। बर्फ़ जी तो देखो ना कितनी 8-8, 10-10 फीट पूरी जितनी गाड़ी है उतनी उसकी हाइट है बर्फ़ की। ओह मैं लगता है सारे बंदे भैया चढ़ो पैदल ही वो जितना मर्जी है उतना ज्यादा नहीं जा रहे ने। अब ज्यादा जुल्म नहीं वैसे हम लोग बताएं क्यों हमने भी खा लिया है इस वजह से। हां क्योंकि नीचे भीड़ बहुत थी, कोई आने नहीं दे रहे, गाड़ी नहीं आने दे रहे थे इस वजह से हम लोग चलाते चलो देख के 16 किलोमीटर पैदल चल के। नहीं कहा फिर भी आप काफी दूर काफी ऊपर पहुंच गए, काफी बस 3 किलोमीटर बचा हुआ बस यहां से उतरना। हां दोस्तों यार इकट्ठे हो ना वैसे ही पता नहीं लगता टाइम का बस आना के आप पहुंचने वाले थे। कहां से हो? यूपी। अच्छा यूपी 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 जगह यूपी से लखनऊ लखनऊ यार यूपी योगी जी हैं। हां योगी जी सही। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way, 'cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way, 'cause you're trying to stay strong and fake a smile until I... हुण तुसी देख सकते हो हुण पूरी स्नोफॉल पैनी शुरू हो चुकी है। हुण दा नजारा देखो पूरा चेंज सामने आ गया गुलमर्ग। As you fade away, yeah, 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 yeah.
दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। आना सफर, आना सफर, आना सफर, जन्नत एकदम जन्नत। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर बॉस। देखिए जी नज़ारा देखिए, क्या बात है जी, बर्फ जम के पै रही है। अगर तुम इतने गर्मी च आते हो तो पूरा खाली मैदान नज़र आता है। ओ देखो जी, ओए हो कि बर्फ जमा, देखो है नज़ारा, जिथे तक कोने तक नज़र जा रही है सब बर्फ। सो वी आर एट गुलमर्ग, नज़ारा देखें है ना जबरदस्त नज़ारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेहनत की है आपने सफल करानी है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके और कमेंट बढ़िया सा छोड़ देना ताकि जी खुश हो जाए। देख लो जी, इसके बिना सारे काम अधूरे हैं, हाथ ही सुन हो जाएंगे तब कुछ खेला नहीं जाएगा। पूरी जगह जगह जहाँ नज़र जा रही है वहाँ स्नो है, तो यहीं फेस्टिवल लगा हुआ है सारा का सारा। और देखो ये इंजॉय कर रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं विद अ सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर सपोर्ट पकड़ी हुई है साथ में। जिसको स्कीइंग करनी नहीं आती वो सपोर्ट से यहाँ पर कर सकता है। ये नज़ारा नहीं मिल सकता था कहीं भी, ये नज़ारा सिर्फ सिर्फ कश्मीर मिलेगा, कश्मीर, हमारा कश्मीर जन्नत। ओहो ये तो गीला हो जाएगा बंदा, इतना ज़बरदस्त यहाँ पर बर्फ़बारी है, नज़ारा। ओह ये देखो, ये देखो, ओह पूरा पैर अंदर, इतना इतना बर्फ़ पड़ा हुआ है देखो। तो ये पैर अंदर घुसेगा इससे, अगर मैं गया नीचे तो लेट अंदर घुसूंगा, अगर अंदर फंसा तो निकाल लेना। ए ओह ये मज़ा सिर्फ कश्मीर में मिल सकता है, मज़ा आ गया। और पैर अंदर, हम देखो कहाँ लेटे हुए हैं। ओह मज़ा, इसको बोलते हैं कश्मीर जन्नत। जे एन के पुलिस तो आपका बहुत थैंक यू, आपने मेरी वीडियो बनाई, मेरा अकेला आया हूँ ना। हाँ वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, मैंने कहा हाँ नहीं, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा आपका सारा सिस्टम है ना, बहुत अच्छा है। ओए 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 ये देखो, जो हम टीवी में देखते थे ना वो नेचुरली देखा, आज नेचुरली ये करके देखा, ये जो पीछे अंदर घुसते हैं ना बंदे तो ये नेचुरली करके देखा है। देखो हमारे साथ इन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की है इन्होंने, ये जम्मू पुलिस के, कश्मीर पुलिस, जे एन के पुलिस के, तो इनकी जो जो एक सेवा कर रहे हैं वो सबसे सलूट है सर आपको। हेल्प करते हैं, ये सबकी हेल्प करते हैं। देखो कितने ऊपर, मतलब ठंडी बर्फीली जगह में हेल्प कर रहे हैं। इन्होंने मेरे को अकेले देखा, इन्होंने कहा मैं वीडियो बनाता हूँ आपकी। नहीं नहीं थैंक यू, अप्रिशिएटेड सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा ना आपसे मिलके। बर्फ जैसा पानी पीना, बर्फ। So these guys are from, you know, Australia, and he's from Canada. So now I live in Australia. Okay, now you're living in Australia. Yeah, this is my wife. Oh, so how's your feeling in Gulmarg? It's very welcoming. Okay. But it's very busy. It's very busy. Very. We've been here for 2.5 weeks now, so we've just got a few more days left. So we came strictly to Kashmir to ski here at Gulmarg. Okay. This is it. Yeah. So you are happy with your experience? It's been a different year because there hasn't been a good snow stable base. Yeah. So lots of avalanche, which we were caught up sort of the last tail of the avalanche, and a huge understanding of how dangerous the mountain can actually be. They're very dangerous. Yeah. Tourists from Holland. Holland. You're Holland. Holland. Yeah. Poland. Poland. Yeah. Poland. Poland. Yes. They died. Yes. Oh. Yes. Yeah. Third one was rescued, but it was only buried up to here. Okay. And the other two were about a meter and a bit under the snow, but they couldn't be saved. Okay. Yeah. Very dangerous also. Yeah. Very, very. And we've nature is beautiful and dangerous also. Absolutely. You don't respect it. Yes. We have to, you know, respect the nature. Yes. And then after nature will, you know, respect us. Yes. They will give, you know, nature will give us more entertainment, but we have to respect the, you know, nature first. Absolutely. Yeah. Actually, I'm from Delhi. Oh, nice. We flew in and flew out. That's our experience of Delhi. That was crazy enough just to start to
be on the road for half an hour. Oh, okay. Yeah, it's very, very busy. Very busy. So in Australia, if you toot your horn like that, you get a fine. Oh. Yes. You know, so, that's India, you can do anything. Yeah, yes. We're learning that. Yeah, yeah. Talk on the phone, no seatbelts, nothing. You know, you can do anything. Yeah, pass a car with this. But in Delhi, like cities, you know, you have to be something like, you know, restrict areas. You have to wear the belt and actually all these things. Yes. But these parts are not, you know, very strict. Not very. Not strict. In every, not strict? No. Not much. No. Because, wait, you know, no. Because nature is, you know, in extreme condition, so they are not, you know, seeing that the people have earned the belt or not. Yes. That's why. Yes. Condition is extreme. No? Yes. We'd like to come back in a summertime and explore. And main yes. Kashmir is for, you know, summertime. Yes. Main, if you want to, you know, really enjoy the nature, you have to come in summer. Yes. But we really enjoy the winter. Winter is also, but nature at Kashmir in summer is beautiful. Yes. Best part of India. Yes. You know, head of India. Yeah. This is the head of India. Yes. Yeah. Very much. Yes, anyway, we only have so much money as well. Yeah. You know, money is main. Yes. Money is main, you know. Yes. Okay. Thank you so nice much. Nice to meet you guys. Yes, you too. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. So, आप देख सकते हैं हमने कितना एंजॉय किया है ना, इतना ज़बरदस्त। और देखो हाथ देखो, एकदम बहुत मुश्किल है, इतनी ज़बरदस्त बर्फबारी है तो हाथ पूरे सोन हो गए ने। ये देखो, यस, ओए होए होए, ओए होए होए, मज़ा आ गया जी, मज़ा। ओह देखो, अकेला ही खेल रहा हूँ, ठीक है, अकेला ही खेल रहा हूँ और अकेला ही मज़े कर रहा हूँ। सोलो ट्रिप कर रहा हूँ दिल्ली से गुलमर्ग, और बेस्ट वे गुलमर्ग में आपको आज मैंने बता ही दिया श्रीनगर से कैसे आ सकते हैं हम। तो अब हम निकलेंगे वापस श्रीनगर की ओर, क्योंकि हाथ देखो लाल और सुन, पैर पूरे अंदर तक जा रहे हैं। ओए होए होए, मज़ा आ गया, एकदम सॉफ्ट है ना, जैसे स्नो, एकदम सॉफ्ट स्नो है, देखो। ओहो, ये देखो। चलो अब हम निकलते हैं यहाँ से गुलमर्ग से, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 4 से ऊपर टाइम हो गया, अब निकलने का टाइम हो गया। और देखो थंडर स्टॉर्म भी आ रहा है, तो इतना एंजॉय करा आपको, यही काफ़ी है। और आपको होप करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी हमारी, क्योंकि इतनी मेहनत की है। और एक चीज़ और बताऊँ, जो एवलांच आया था ना, वो ऊपर से एवलांच आया था। एक बार वो देखो कितने सारे पक्षी आए, वो कितने पक्षी हैं, ओह क्या नज़ारा है, पक्षी देखो कितने बढ़िया हैं। और इसी नज़ारे के साथ हम इस व्लॉग को एंड करने लगे हैं, कश्मीर से साइनिंग ऑफ, फेमस इंडियन व्लॉगर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेहनत अच्छी लगी तो प्यार दे देना सब्सक्राइब करके, लाइक और कमेंट प्यारा प्यारा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, रब रखा। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time